प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं मंगलम आज आप लोगों के साथ MAHL 501 एवं MAHL 505 से संबंधित जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास और आदिकालीन कविता का प्रश्न पत्र है, इसमें संबंधित विद्यापति की एक कविता जो आपके सिलेबस में शामिल है, जय जय भैरवी असुर भयाविनी, इस कविता का पाठ एवं विश्लेषण प्रस्तुत करूंगा। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, विद्यापति हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकालीन काव्य के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। विद्यापति की तीन बेहद चर्चित रचनाएं जो कि कीर्तिलता, कीर्तिपताका और पदावली है, यह कविता जो आज हम लोग बातचीत जिस कविता पर करेंगे वह विद्यापति पदावली में संकलित है। यह स्तुति है देवी की, शक्ति की आराधना है। आपको यह ज्ञात होगा कि विद्यापति जो हैं उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति ने अपनी कविताओं के लिए देसिल बयना सब जग मिठ्ठा शब्द का प्रयोग किया था। उनके अनुसार उन्होंने न सिर्फ तत्कालीन समय की काव्य भाषा जो कि अपभ्रंश और अवहट की थी उसमें रचनाएं प्रस्तुत की, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने मैथिली में भी और संस्कृत में भी रचनाएं रची। आपको ज्ञात होगा कि विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्तिपताका का अपभ्रंश एवं अवहट साहित्य का श्रेष्ठ साहित्य है। ठीक उसी तरह उनकी पदावली जो है वह देश भाषा की श्रेष्ठ रचना है। आप यह देखें कि हिंदी के बिल्कुल अपने आरंभिक समय में ही विद्यापति और अमीर खुसरो दो ऐसे कवि हैं जो देश भाषा लोक भाषा में भी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। विद्यापति जिन्हें आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास में फुटकल कवियों की श्रृंखला में रखा, जिन्हें ये फुटकल कवि कौन है, ये फुटकल कवि वे हैं जो आने वाले समय का पता देते हैं, यानी कि आदिकाल और भक्तिकाल के संधि स्थल पर खड़े कवि विद्यापति हैं। विद्यापति की पदावली से आने वाले भक्तिकाल का पता मिलता है। विद्यापति जैसे कि आप सभी जानते हैं, वे जब अपनी काव्य रचना में प्रस्तुत होते हैं तो श्री कृष्ण की, देवी की, शिव की आराधना और स्तुति करते हैं। विद्यापति को आधुनिक जयदेव भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी कविताओं में जो माधुर्य प्राप्त होता है वह गीत गोविंद से प्रभावित माधुर्य की तरह है, यानी कि जो संस्कृत साहित्य का उत्कृष्ट साहित्य गीत गोविंद में जो माधुर्य है, जो मधुर रस है, वह मधुरता, वह सुंदरता विद्यापति की कविताओं में भी मौजूद है। तो आज हम विद्यापति की यह देवी प्रसिद्ध देवी गीत, देवी स्तुति, जय जय भैरवी असुर भयाविनी पर बातचीत करेंगे और इसका पाठ विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस कविता को पूरा पढ़ देता हूँ और फिर इस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। कविता है, जय जय भैरवी असुर भयाविनी पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर देव गोसावनी अनुगति गति तुव पाया वासर रैन सवासन शोभित चरण चंद्रमणि चूड़ा कतवक दैत्य मारि मुख मेलल कतवो उगलि गय कूड़ा सांवर वरन नयन अनुरंजित जलद जोल फुल कोका कट कट विकट ओठ पुट पंडरी लिधुर फेन उठ फोका घन घन घनन घंघरुकत बाजत हन हन कर तुव काता विद्यापति
कवि तुव पद सेवक पुत्र विसरु जन्म माता। आप इस कविता में पाएंगे कि विद्यापति जिस ऊंचाई से इस कविता पर बात करते हैं, जिस ऊंचाई से वह स्तुति करते हैं, वह भक्त की स्तुति नहीं है, वह एक कवि की स्तुति है। विद्यापति अपने को कवि कहते हैं। आप देखें आने वाले समय में भक्ति काल में जो कवि हैं, अगर जायसी को छोड़ दें तो वहाँ भक्त बनने की होड़ है, कवि बनने की नहीं। और जब आप रीति काल में आते हैं तो वहाँ आचार्य बनने की होड़ है, कवि बनने की होड़ नहीं है। लेकिन विद्यापति अपने कवि के इस रूप को लेकर के बेहद सतर्क हैं और अपनी बात एक कवि की बात की तरह रखते हैं। तो यह पदावली जो है, यह जो पद है, वो विद्यापति पदावली से लिया गया है। कविवर मैथिल विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। इस पद में उन्होंने माता भैरवी की स्तुति की है। माता भैरवी पार्वती की एक रूप है, शक्ति स्वरूपा है, शक्ति हैं वे, चामुंडा और काली भी हैं, और ये असुरों को मारने वाली असुर मर्दिनी भी हैं, जिससे असुर और दैत्य जो हैं वो भय खाते हैं। वे इन राक्षसों का विनाश कर भक्तों को अभय देने वाली हैं, भक्तों को संतुष्ट करने वाली हैं। वे कहते हैं, जय जय भैरवि असुर भयाउनि, हे भैरवी माता आपकी जय हो, आप असुरों में असुरों के लिए भय हैं, असुरों में आपकी वजह से भय व्याप्त है। पशुपति भामिनी माया, आप शिव पशुपति शिव जो हैं उनकी माया हैं, आप उनकी शक्ति हैं, उनकी अर्धांगिनी हैं, आप ही महामाया हैं, आपकी जय हो। वे कहते हैं, हे गोस्वामिनी। अब गोस्वामिनी का यहाँ अर्थ दो है, गोस्वामिनी यानी जो गौओं की स्वामी है, और गोस्वामिनी यानी जो इंद्रियों को जीत लेता है, इंद्रियों का स्वामी है, जो इंद्रजीत है। तो हे गोस्वामिनी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ और आप मुझे सहज और सुमति, जिसकी मति यानी बुद्धि सुंदर हो उसका वर दीजिए। आप मुझे कृपा की मुझ पर कृपा कीजिए, ऐसा वर दीजिए माता कि मैं दिन रात आपके चरणों में ही अनुरक्त रहूं। अनुगति गति तुव पाया, ऐसा वर दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए माता। कौन माता? जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, जिनकी कोई कामना नहीं है, जो असुरों के लिए भय दाता है, जो पशुपति यानी शिव की महामाया है, अर्धांगिनी है। ऐसी माता हम आपके भक्ति में लीन रहें, आपके चरणों की सेवा करते रहें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आपका अनुसरण अनुगति गति तुव मोर पाया, आपके आशीर्वाद से मैं आपकी गति का अनुसरण कर सकूं, आपकी भक्ति में लीन रह सकूं। उसके बाद वासर रैन सवासत शोभित चरण चंद्रमणि चूड़ा, कतउक दैत्य मारि मुख मेलल कतउक उगलि गए कूड़ा। हे माता, मेरा मन इधर उधर न भटके, आपके चरणों में ही जो कि सवों के ऊपर रहते हैं, केसों में चंद्रकांत मणि विराजमान रहती है, और आपने कितने ही दैत्यों को मार कर निगल लिया है, कितनों को मुंह में डाल कर कुचल कर उगल दिया है। ऐसी माता आपके आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। वे फिर कहते हैं, सांवर वरन नयन अनुरंजित जलद जोग फूल को का। हे देवी, जो आप श्यामल वर्णी हैं, श्यामली हैं, और आपके जो नेत्र हैं वो रक्तिम हैं, लाल हैं, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि बादलों में कमल खिले हुए हैं, जलद जोग फूल को का, जो कमल है यह बादलों में खिला हुआ है,
और दांतों की किटकिटाहट ऐसी है, कट कट विकट ओठ पुट पंडरी। यह जो आपकी गुस्से से वो जो दांत कटकटा रहे हैं वो ऐसे विकट हैं, ऐसी किटकिटाहट का विकल घोष कर रहे हैं। और लिधुर फेन उठी फोका, और आपके होठों से गुस्से में जो झाग के बुलबुले उठते रह रहे हैं वो हो रहे हैं, जिससे सारे असुर भय खा रहे हैं। और घन घन घुंघर घनन घुंघरुकत बाजत हन हन कर तु काता। और आपके पैरों में जो घुंघरुओं की आवाज है वो बादलों की गर्जना जैसी प्रतीत होती हैं, और आपकी तलवार जिधर भी घूमती है उधर दैत्यों का वध होता है। आप ऐसे विद्यापति कवि जो हैं वो आपके सेवक हैं, आपके चरणों के सेवक हैं। पुत्र विसरु जनु माता, आप अपने इस पुत्र को भुला मत देना, अपने शरण में रखना, अपना आशीर्वाद देना, अपनी छत्र छाया में रखना, यह एक पुत्र का आग्रह है। तो आप देखेंगे कि इसमें जिस तरह के शब्दावली इस्तेमाल किए गए हैं वो कितने सहज, गेय और सुंदर हैं, और इसमें उपमानों की अधिकता है। यह स्तुति परक पद है, भक्ति इस पद का प्रधान विषय है, और दैत्यों को डराने, चूंकि असुर मर्दनी हैं, असुरों के लिए भय का कारण है, तो इस पद में जिस तरह की पदावली का प्रयुक्त हुआ है वह पदावली एक भय का भी संचार करता है। उस गतिकी को, कविता की उस गतिकी को, उस कविता की उस भाव की गतिकी को शब्द अभिव्यक्त करते हैं। और इस पद में कई उपमान कवि ने भैरवी के लिए, माता के लिए दिया है, जो भैरव के कारण है। भैरव आप जानते हैं कौन है, शिव के ही रूप हैं, और भैरवी शिव की ही प्रतिरूप हैं, पशुपति हैं, पशुपति की ये माया है, अर्धांगिनी है। ऐसे कई सारे उपमान कवि ने माता के लिए दिया है। इसमें मैथिली भाषा का प्रभाव है, और अनुप्रास अलंकार है, और पद की गेयता इतनी सुमधुर है कि आज भी इस पद को बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही श्रद्धा के साथ मैथिल लोग गाते हैं। इसका जो प्रसार है, प्रसरण क्षमता है, वह अपने लय और गति की वजह से आज भी मुख पे रहने वाला है। ऐसे विद्यापति का यह पद भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। विद्यापति कवि भक्त कवि नहीं है, लेकिन इनकी रचनाओं से आने वाले हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भक्ति काल है उसका पता मिलता है। तो विद्यापति का महत्व इसलिए भी है कि यह आदिकाल और भक्ति काल के संधि स्थल पर खड़े आदिकालीन कवि हैं, और इनकी रचनाओं में भक्ति की इस तरह की प्रमुखता बताती है कि आने वाला समय भक्ति काल का है। और इस पंक्ति से, इनकी कविताओं से यह भी साबित होता है जो आचार्य द्विवेदी कहते हैं, आचार्य शुक्ल को काटते हुए, क्योंकि आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल के उदय के कारण में एक बड़ा कारण यह माना था कि इस्लाम के आक्रमण की वजह से भारत में भक्ति का प्रसार हुआ, जबकि आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि भक्ति काल का आना तो उसी तरह तय था जैसे यह भारतीय जनमानस का स्वाभाविक विकास हो। तो इस बात को यह कविता पुष्ट करती है कि यह एक स्वाभाविक, भारत में जो भक्ति काल है, जो लोक जागरण का काल है, जो लोक मंगल का काल है, वह अपने स्वाभाविकता के साथ विकसित हुआ है। विद्यापति इस बात को अपनी पदावली से प्रस्तावित करते हैं। आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आप YouTube के जरिए भी जुड़ सकते हैं।
वीडियो रूप में स्टडी मटेरियल और विश्वविद्यालय की गतिविधियों को सबसे पहले जानने के लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के यूट्यूब चैनल UOU Live को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए।